हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विद्युत विशेष एंड वेलकम टू माय चैनल हिडन जेम ऑफ स्टॉक मार्केट बाय विद्युत विशेष। फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों के साथ मैंने एक नया सीरीज चालू किया बाहुबली सीरीज, तो आज मैंने आप लोगों के साथ बाहुबली सीरीज का थर्ड जो स्टॉक है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ये शेयर करने के पहले जैसे मैंने हर बाहुबली के पहले बताता हूँ, बाहुबली स्टॉक मेरा ऐसा नहीं जी मतलब मैं बहुत बड़ा मार्केट का स्टॉक है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश स्टॉक है, ये स्टॉक को मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं बाहुबली सीरीज का मतलब वही है, आप लोगों को देखा होगा जो मेरा बाहुबली सीरीज का जो मतलब पोस्टर रहता है उसमें क्या रहता है, जैसे छोटा बाहुबली एक बच्चा है जो उसको ऐसा पानी से एक हाथ में जो महारानी जी था वो खुद डूब गया था, लेकिन वो बाहुबली को ऐसा एक हाथ में बचाया। तब क्या था, तब किसी को पता नहीं था ये बड़ा होके क्या बनने वाला है, लेकिन बड़ा होके वो बाहुबली बना। तो ऐसा ही इसको बचाना पड़ेगा आप लोगों को, मतलब अभी बहुत छोटा है, मतलब छोटा है मतलब कुछ भी हो सकता है, बड़ा होके मतलब कुछ भी मतलब ये बड़ा होके स्पॉइल भी हो सकते है, लेकिन उस जगह पे उनको क्या पता था, उनको पता है हाँ ये इस मतलब बंक्स का है, ये बड़ा होके बाहुबली जैसे बन सकता है, तो एक चांस था उसका बड़ा बनने का। तो हम लोगों को बाहुबली सीरीज का मतलब ये है जो मतलब हम लोग वैसे स्टॉक को ढूंढ के निकाल रहा हूँ जो बड़ा होके आपको मल्टी बेगर्स रिटर्न दे सकता है। जैसे हम लोग मैंने आप लोगों को दिखाया था, जैसे आदानी ट्रांसमिशन हम लोग 50 रुपया में उठाया था, टानला सॉल्यूशन 50 रुपया में उठाया था, ये सब बहुत सारे ऐसा स्टॉक है जो हम लोग 40-50 रुपया का लेवल पे 20 इलेक्ट्रा ग्रीन 20 रुपये का लेवल पे हम लोग उठाया था, और वो पोस्ट मेरा फेसबुक ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो उस हिसाब से तो अभी उसको क्या है, उस टाइम को कोई बिलीव नहीं करता था ये सब स्टॉक आने वाला 3-4 साल में 40-50 गुन रिटर्न दे सकते हैं। तो वैसा स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ये सीरीज चालू किया जो बाहुबली सीरीज है। तो इसमें क्या करेगा, इसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया होगा, मार्केट कैप बहुत छोटा होगा। अभी कोई कंपनी का मार्केट कैप अगर 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ किसी कंपनी का मार्केट कैप होगा तो उसमें फास्ट मूवमेंट का उतना चांस नहीं रहता, लेकिन जो कंपनी का मार्केट कैप अगर 100 करोड़ है, 200 करोड़ 300 करोड़ विद इन 1000 करोड़ है, तो वो सब कंपनी का क्या है, उसमें अगर मतलब कोई अच्छा कुछ होता है ना, तो वो कंपनी अगर टर्न अराउंड दिखता है तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत जल्दी जल्दी मतलब उसमें मूव मिलता है। तो जैसे 200-300 करोड़ से 1000 करोड़ 2000 करोड़ भी हो सकता है, तब देखो 3000 करोड़ होगा तो जैसे 200 करोड़ का मार्केट कैप है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा उस जगह से, तो वो क्या हो जाता है, 15 गुना रिटर्न हो जाता है। तो ऐसा स्टॉक है, तो ये स्टॉक में देखो अब जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वो बच्चा बड़ा होके स्पॉइल भी हो सकता है, आपको पता नहीं है जब बच्चा है वो बड़ा होके बाहुबली बनेगा ये गारंटी तो नहीं रहता है, क्योंकि कैसे बड़ा होगा, कैसे इसका एजुकेशन रहेगा, कौन सिखाएगा उसको, बहुत सारे चीज होता है, क्योंकि बच्चा अभी मतलब वो ऐसा ही हम लोगों को मतलब ढूंढ कर निकालना है, बच्चा बड़ा होके बाहुबली जैसे बन सकता है, लेकिन उसमें रॉन्ग भी हो सकता है आदमी, तो रॉन्ग होगा तो क्या करना है, उसलिए इस जगह पे हम लोग मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे कोई स्टॉक में 1 लाख रुपया लगाता हूँ तो उसका मेरे को स्टॉप लॉस लेवल रहता है 10-15 हजार रुपया, क्योंकि 10-15% मतलब मेरा स्टॉप लॉस अमाउंट रहता है। तो इसमें भी इसमें मैंने उतना ही अमाउंट लगाता हूँ जितना दूसरा स्टॉक के लिए मैंने स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो मेरा वो 10 और उसको मैंने लगा के भूल जाता हूँ 2-3 सालों के लिए। तो इसमें क्या होता है, 2-3 साल बाद ये शायद 10 गुना 15 गुना 50 गुना रिटर्न भी आप लोगों को दे सकते हैं, लेकिन कोई कोई उसमें क्या होगा, आप 10 लोगे तो इसलिए बाहुबली स्टॉक हम लोगों को अगर लेना है, मैं सबके सब एंट्री करूंगा। उसमें क्या होगा, मतलब सोचो मैं 10 एंट्री किया उसमें से 5 शायद जीरो हो गया, लेकिन बाकी 5 आपको अगर 10 गुना रिटर्न दिया, तो जैसे मैं सोच रहा हूँ 10 शेयर करके घुस रहा हूँ 10 स्टॉक में, उसमें क्या होगा मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो 10 हजार जो बाकी 5 में जीरो हो गया, मेरा 50 हजार गया, लेकिन बाकी 5 में क्या हुआ, वो 10 गुना करके रिटर्न दिया, तो 5 में 5 लाख रुपया मिल गया। तो ये क्या हुआ, तो मतलब मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उसके सामने मेरे को 5 लाख का रिटर्न मिला 3-4 साल में। तो ये मेरा मतलब टारगेट है, ये सीरीज का मतलब है, और जो बाहुबली सीरीज जितना आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ मैं भी खुद उसमें एंट्री कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी आप लोगों का एक नया पोर्टफोलियो बाहुबली के लिए बना के आप लोगों के साथ भी रखूंगा, जे एक छोटा सा पोर्टफोलियो नया बना के उसमें क्या करेंगे, जो भी बाहुबली सीरीज का स्टॉक हम लोगों के साथ शेयर करेंगे उसमें मैं भी एंट्री करूंगा आप लोगों के साथ, और मेरा टारगेट उसके लिए बहुत बड़ा है, मतलब शायद 2 लाख का एक पोर्टफोलियो बना के उसको मेरा टारगेट
पांच साल में उसको 10 लाख ऐसा कुछ करने का, उसमें 10 लाख कैसे होगा, उसमें क्या होता है मैं वो भी 10 लाख तब भी हो सकता है जब आपको हर साल 40-50% रिटर्न मिलेगा। तो उसमें क्या है, ऐसा ही छोटा स्टॉक को लेके भूल जाना है और उसको तीन चार साल बाद ही देखना है। उसमें क्या होगा, वही जीरो हो जाएगा, लेकिन बाकी जो पांच छह स्टॉक होगा उसको आपको 10 गुना 15 गुना 20 गुना भी रिटर्न दे सकते हैं। तो आपको देखो मैं वही बोला, 1 लाख लगा के उसमें 50% स्टॉक भी जीरो हो रहा है, लेकिन बाकी सब इतना चलेगा, आपको 5 गुना रिटर्न नेक्स्ट 3-4 साल में मिल सकता है। तो चलो अभी तो मैं 5 साल में उसको टारगेट कर रहा हूँ और बहुत जल्दी वो पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ। अभी मेरा थोड़ा पर्सनल थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इस जगह पे एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, थोड़ा पैसे वैसे का मतलब इधर उधर सेटल करना पड़ रहा है। तो ये सब मतलब सेटल करने के बाद में एक नया पोर्टफोलियो फिर से, मेरा तो पुराना पोर्टफोलियो पड़ा ही है, एक नया अकाउंट खोल के से बाहुबली के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए एक पोर्टफोलियो मैं बनाऊंगा। चलो अभी ज्यादा बात नहीं करके और एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मेरा एनालिसिस पे ऐसा आग बंद करके भरोसा मत कर जाना, क्योंकि मेरा रजिस्टर है तो मेरे को रिकमेंडेशन देने का अथॉरिटी नहीं है। मैं क्या कर सकता, मैं ज्यादा से ज्यादा मेरा जो एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ और आप लोग इससे सीख सकते हो। आप लोग ऑब्वियसली पोजीशन लेने के पहले खुद का एनालिसिस भी जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स दो और एक चीज है, मेरे को अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हो तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स अभी जो बाहुबली 3 है हमारा, उसका नाम आप लोगों को बता देता है, उसका नाम है माराल ओवरसीज। माराल ओवरसीज एक क्यूब में बाहुबली के हिसाब से डिक्लेयर इसलिए कर रहा हूँ, देखो इसका अगर चार्ट देखोगे आप, इसने बहुत बड़ा एक हाई दिया था, कौन सा ईयर में, 1992 में 171 का हाई दिया था। लेकिन उसके बाद अगर चलो थोड़ा बड़ा कर लेते, वो हाई देने के बाद अगर देखोगे ये बहुत जल्दी नीचे आ गया था और कितना 47 का लेवल पे, वो तो 1/4 हो गया था। तो लेकिन इस जगह पे देखो आने के बाद इस जगह से एक सपोर्ट मिलता और डेली बेसिस पे इस जगह पे एक बाउंस दिया था। तो इस जगह जब ये नीचे जाके बाउंस आया तो इस जगह से फिर से वापस गया, तो इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल था, जो सेलिंग लेवल अभी भी आफ्टर 30 इयर्स जो सेलिंग लेवल अभी भी वैलिड है। कैसे वैलिड है, देखो नेक्स्ट बार उसके ऊपर जाने गया लेकिन जा नहीं पाया, ये जो स्पाइक दिया ये स्पाइक से नीचे गया, तो ये सेलिंग लेवल बहुत ही डेंजरस था, इतना डेंजरस था 30 इयर्स तक वैलिड है। और देखो उसके बाद बहुत बार ऊपर आया लेकिन इस लेवल से बार बार वापस गया, तो मैंने थोड़ा सा लाओ अभी बड़ा कर देते हैं। देखो ये लेवल जो मैंने बोला था 100 का लेवल, ये लेवल इतना वैलिड है, नेक्स्ट 30 इयर्स तक इसके ऊपर जा नहीं पाया और इस जगह पे एक सप्लाई जोन बना के ये मतलब घूमते रह गया। और ये इतना स्ट्रॉन्ग है, देखो 30 इयर्स बाद भी जब इस लेवल पे आया इधर से एक सेलिंग आया, कंसोलिडेट करके ये जो लेवल है, जो लेवल पे ये नीचे मतलब बीच का 25-26, तो उस जगह पे सपोर्ट ले लिया क्योंकि उसको ऑलरेडी ब्रेक कर गया था, लेकिन ये इतना साफ लेवल था, इसको ब्रेक करने के पहले कंसोलिडेशन जरूरी था। तो मैं वो लेवल को एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, तो अभी अगर देखेंगे तो देखो आफ्टर सर्टेन कंसोलिडेशन एक मिनट है, हाँ वो लेवल का जस्ट आसपास ही क्लोज हुआ, देखो वो लेवल का आसपास गया था लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आया इस जगह पे जो 80-90 का लेवल पे, जो बहुत साल से 25 साल से वो उसके ऊपर जा नहीं पाया था, उस जगह पे सपोर्ट लिया, एक कंसोलिडेशन दिया। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, जो 90-80 का जो लेवल में इन लास्ट 25 साल इसने ट्रेड किया उसके ऊपर तो मतलब उसके नीचे ये जाने वाला है नहीं, क्योंकि इस जगह पे अगर जाने वाला होता तो ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता था। अभी देखो एक करने के बाद क्या हुआ, ये जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको क्रॉस कर गया, ये क्या इंडिकेट करते, जो ये लेवल है ये लेवल से एक बार वापस आया था वो लेवल को इसने अभी क्रॉस करने वाला, क्यों क्रॉस करना, अगर डेली चार्ट देखोगे आपको कंफर्म हो जाएगा। देखो डेली चार्ट में क्या था, पहले जो बड़ा अप मूव दिया था विद वॉल्यूम इस जगह पे आया था, देखो उधर से वापस गया, वापस इसको अगर ये ब्रेकआउट फेल होना था तो सार नीचे आ जाता था, लेकिन ये क्या क्या तो लास्ट 4-5 महीने से कंसोलिडेट किया, तो कंसोलिडेट करके इस जगह पे एक सप्लाई जोन इसने बना लिया था। ठीक है, तो नहीं मैंने सप्लाई जोन इसको ही बोलूंगा, देखो क्योंकि मैक्सिमम करेक्शन
इस जगह से हो रहा है, इधर से नीचे आया, फिर से इसको टच करके नीचे आया, फिर से टच करके, तो ये सप्लाई जोन को इस जगह से ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से नीचे आया गया लेकिन फाइनली इसको ब्रेक कर गया और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। देखो अभी ये सपोर्ट जोन बन गया, क्योंकि देखो इस जगह पे जब भी टच किया एक बाइंग आया और अल्टीमेटली इस जगह को लास्ट जो कैंडल है थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया लेकिन अल्टीमेटली नीचे से बाइंग आया। तो ये जो दिख रहा है ये ब्रेकआउट जो दिल्ली चार्ट पे हुआ ये भी सस्टेन करने वाला है, और सस्टेन करके कौन सा लेवल पे हुआ, जो 104 का लेवल जो लास्ट 30 साल से वैलिड है, वो लेवल पे कंटिन्यूअसली 4-5 दिन क्लोज कर रहा है। तो ये जो दिख रहा है ये लेवल ये तोड़ने वाला है, और ये लेवल तोड़ेगा तो मेरे को एक 30 साल का ब्रेकआउट मिलेगा, जो 30 साल से इसका बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो और उसके बाद जो है 170 तक कोई इसका रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस जगह तक जा सकते हैं और उस जगह पे भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके अल्टीमेटली उसको भी क्रॉस करेगा, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट 30 साल का जो ब्रेकआउट है वो दिया तो उस लेवल में चलो अभी ये तो है चार्ट के हिसाब से 30 साल का ऐसा बड़ा ब्रेकआउट जब भी मिलता है वो स्टॉक मल्टीवेगर से बनता है, क्योंकि 30 साल से शायद इसका कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है ऐसा, और कोई इन्वेस्टर कन्विंस नहीं है अभी, तो कोई तो कन्विंस है जो इतना बड़ा वॉल्यूम के अगर मंथली चार्ट पे देखोगे अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम के साथ ये लेवल को क्रॉस किया, और जो सेलिंग के टाइम पे उतना वॉल्यूम है नहीं, अभी ऊपर जा रहा है तो फिर से वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये जो है ये बहुत ही एक अच्छा इंडिकेशन है, जो मतलब इस महीना मतलब जो शायद ये इसको और भी ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि जो सेलिंग वॉल्यूम उतना है नहीं बाइंग वॉल्यूम है, और उस लेवल का ऊपर जो 30 साल से वैलिड है उस लेवल के ऊपर शायद जाने वाला है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, कुछ पैसा लेके भूल जाऊंगा रख के, तो इसमें मैं थोड़ा बैलेंस शीट भी देख रहा हूँ, बैलेंस शीट भी मेरा बात को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो मरल ओवरसीज का अगर देखेंगे ये सिर्फ 6.71 का पी मतलब पी में काम कर रहे हैं, और मार्केट कैप जो है ओनली 439 करोड़ का मार्केट कैप है। मैं बोला ये जो छोटा मोटा कंपनी होता है इसका मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है बाहुलिस, 1000 करोड़ का नीचे मार्केट कैप होना चाहिए, और इसका ये छोटा मोटा कंपनी का क्या होता है आरओसी उतना ज्यादा नहीं होता है, मतलब आप 100 रुपया इन्वेस्ट करके कितना कमा रहे हो, तो इसमें वो चीज भी अच्छा है। 12.4 जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा ही होता है, फेस वैल्यू भी 10 है। अभी इसका जो मारल ओवरसीज है ये क्या बनाता है, ये जो है मेनली एक टेक्सटाइल कंपनी है और कंपोजिट टेक्सटाइल यूनिट है, तो कंपोजिट टेक्सटाइल यूनिट क्या होता है, ये लोग जो यान बनाते हैं मतलब धागा बनाते हैं, धागा से लेके कपड़े तक बनाते हैं ये लोग, तो ये लोगों का स्पिनिंग यूनिट है, उसके बाद नीटिंग है, ये डाइंग यूनिट है, ईच एंड एवरीथिंग है, और फाइनली गारमेंट भी बनाते हैं। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनी है मतलब नीटेड गारमेंट का, तो इसका गारमेंट तक है। तो और इस जगह पे मेरा मतलब एक फ्रेंड है जो स्पिनिंग का मशीन बनाते हैं उस कंपनी में काम करते हैं, तो उसने भी मेरे को कंफर्म किया जे मतलब ये लास्ट 1 ईयर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मशीन वगैरह कंटिन्यूअसली खरीद रहा है, तो मतलब उस जगह से भी ये दिख रहा है जे ये लोग, और ऐसा नहीं जे एक बार में खरीद रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके जैसे इस महीने में 2 मशीन का ऑर्डर किया, उस महीने में 3 मशीन का ऑर्डर किया, तो ऐसा मतलब वो लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। और वो जो मेरे को वो बैलेंस शीट में भी दिख रहा है, देखो इसका अगर मैंने दूसरा टेक्सटाइल कंपनी से काम करें कंपेयर करेंगे तो बड़ा बड़ा जो टेक्सटाइल कंपनी अरविंद 21 का पी में, वर्तमान भी 11 का ऊपर का पी है, पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पी में ट्रेड नहीं कर रहा है एक्सेप्ट अरविंद, लेकिन तब भी इसमें से सबसे सस्ता ये है, और उसमें मार्केट कैप भी मैं देखूंगा सबसे छोटा मार्केट कैप तो इसका ही है। तो उसके बाद अगर मैं देखूंगा आरओसी का पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें सिर्फ इंडो काउंट और इस जगह ओम्बिका कॉटन, ओम्बिका कॉटन हम लोग ऑलरेडी उठा चुका है, देखो जो बड़ा बड़ा कंपनी है बर्धमान उसका आरओसी भी 8 के आसपास ही है, तो इसका 12 का आरओसी है, तो बड़ा जो टेक्सटाइल कंपनीज है उसका जैसे अरविंद है उसका 4 का आरओसी, उसकी जगह पे 3 times आरओसी है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी उतना खराब नहीं है बाकी टेक्सटाइल कंपनी के कंपेयर में, तो चलो इस जगह पे आरओसी बहुत अच्छा है, और इतना छोटा कंपनी के हिसाब से ये खराब नहीं है सब फिगर। अगर मैंने बैलेंस शीट देखोगे, देखो जो सितंबर महीने में इसका सेल्स आया था 280 करोड़, उसके सामने लास्ट ईयर सितंबर में अगर देखेंगे 168 करोड़, चलो उस जगह पे कोविड का इफेक्ट था लेकिन उसके पहले वाला साल में तो उतना इफेक्ट नहीं था, उस जगह पे भी 177 करोड़, तो कोई भी जो नॉर्मल मंथ था नॉर्मल सितंबर क्वार्टर था लास्ट 2019 में उससे भी 100 करोड़ से भी ज्यादा, मतलब उससे भी More than 60% सेल्स ज्यादा है इस जगह पे। अगर प्रॉफिट देखेंगे उस साल सितंबर क्वार्टर में -2 करोड़ का मतलब लॉस था 2 करोड़ का, और इस जगह पे 4 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उससे भी 5 गुना हो गया लास्ट ईयर, तो कोई भी एंगल से रियल तो बहुत ही अच्छा है, और
इस जगह पे एक पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं, जो 200 करोड़ का ऊपर कभी सेल्स नहीं जाता था इसका, तो उस जगह पे देखो एक 200 करोड़ के ऊपर लास्ट 3 क्वार्टर से सस्टेन कर रहा है और उसको बढ़ भी रहा है। अगर मैंने ईयरली सेल्स देखूंगा वो भी देखो 2010 में से 0.89 करोड़ का सेल था, उस जगह पे अभी 9.01, तो ऑलमोस्ट 5 times सेल्स हो गया। और प्रॉफिट भी अगर देखेंगे 4 करोड़ का प्रॉफिट, और देखो एवरेज कितना आ रहा था, एवरेज सारे ईयर्स का एवरेज करेंगे 10 से 15 करोड़ का प्रॉफिट एक एवरेज आता था, तो लेकिन उस जगह से 15 से इस जगह तक तो मतलब 4 to 5 times ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया। अभी मैंने लेकिन अगर जो देख रहा हूँ तो 2001 से अभी तक देखेंगे तो प्राइस वही 80 to 90 के बीच से 30 तक यही मूवमेंट था, हाईएस्ट प्राइस होता था 80 to 90 और लोएस्ट प्राइस होता था 30 तक। तो मतलब ये जो फंडामेंटल्स था 4 crore, 5 crore, 11 crore, तो इतना तक तो वो फंडामेंटल चेंज नहीं था। लेकिन अभी जो शिफ्टिंग दिख रहा है, अभी ईयरली देखो जो दिख रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर आप देखोगे वो 64 crore, तो कहीं भी जो एवरेज प्रॉफिट है उससे 4 गुना है, तो 4 गुना है। लेकिन प्राइस तो कभी लास्ट 25 साल में उतना मतलब बड़ा नहीं है, तो 2010 से लेके अभी तक का जो एवरेज प्रॉफिट लेवल 10 से 15 करोड़, अभी जो प्रॉफिट लेवल है 64, तो 4 times हो गया। तो प्राइस के हिसाब से ईपीएस भी आप अगर देखोगे एवरेज ईपीएस वही 2 से 3 से 4 के बीच में, अभी ईपीएस इस साल का जो दिख रहा है वो 16 के आसपास, तो 4 times है। तो इसका फंडामेंटल के हिसाब से भी इसका बैलेंस शीट लगभग 4 गुना एक मूवमेंट का मतलब इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि इसका जो सेल्स प्रॉफिट, क्योंकि इसका देखो सेल्स जो है ये 900 करोड़ का सेल्स तो कभी नहीं आया, इनफैक्ट सबसे हाईएस्ट करोड़ था 2019 में वो भी 757 करोड़, उससे भी 150 करोड़ तो ज्यादा है, 150 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 15 के हिसाब से मतलब 20 टका के ऊपर तो ज्यादा है, 20% ज्यादा है। और ये जो लेवल था, लेकिन इस जगह पे अगर देखोगे 500 से 600, 667, 666 इस लेवल पे 2010 से लगभग 2010 से 2014, 2011 से लेके अभी तक वही लेवल पे पड़ा था, तो लेकिन उस जगह से निकलने का दिख रहा है। और प्रॉफिट भी जो है कोई भी यार से 3 से 4 गुना ज्यादा है, जो मतलब इटसेल्फ फंडामेंटल भी इसको इंडिकेट कर रहा है, जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, तो उसके उसके हिसाब से भी एक 3-4 गुना मूवमेंट तो इस जगह पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो चलो अभी दूसरा जो लास्ट में देखता हूँ माइक्रोकैप कंपनी में क्या होता है, इसका जो मतलब मेन चीज होता है इसका प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर का इसका कंपनी के ऊपर कितना बिलीव है। इस जगह पे भी देखूंगा प्रोमोटर ऑलमोस्ट 75% होल्ड कर रहे हैं, जो मतलब इंडिकेट करता है प्रोमोटर का अपना कंपनी के ऊपर कितना बिलीव है। तो सारे पॉइंट के हिसाब से मतलब मेरे को तो ये अच्छा ही लग रहा है, और मैं खुद टेक्सटाइल फील्ड से आप लोगों को पता है तो मैं इस कंपनी को जानता भी हूँ, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। और चार्ट के हिसाब से भी एक बहुत ही मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो मैंने तो इसको और जो मेरा मतलब उसको क्या कहते हैं एक डिस्क्लोजर भी दे देता हूँ, मैंने भी इसको होल्ड कर रहा हूँ और मैंने रिसेंटली इसको मतलब एंट्री किया इसमें, तो आप लोगों को बता भी देता हूँ। ऑब्वियसली मेरा अभी प्राइस जो एंट्री प्राइस है उस जगह पे ही है, तो मैं 100 के आसपास एंट्री किया है, तो इसमें मैं होल्ड कर रहा हूँ इस स्टॉक को। तो आप लोग अगर इसमें एंट्री करना चाहते हो खुद का एनालिसिस करो, मैं किसी को मतलब पुश नहीं करूंगा इसको लेने के लिए, क्योंकि वो अथॉरिटी मेरे पास है ही नहीं। तो चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अगर मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो मेरा ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।